नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में। आज की इस वीडियो में हम नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के बारे में फुल टू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें डिजिटल सेवा CSC में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें सर्च के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे हमें NPS लिखना है। यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन और पेंशन कैलकुलेटर। पेंशन कैलकुलेटर जिसमें हम NPS में कितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और हमें रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये सब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि जिनका NPS अकाउंट ओपन हो गया है उनको यहाँ पे जो बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, पैसा जमा करना है, तो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। कस्टमर रजिस्ट्रेशन, हमें यहाँ पे न्यू NPS जिनका ओपन करना है इनके लिए हम यहाँ पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कस्टमर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, हेल्प बाय DM, हेल्प बाय सोसाइटी और सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आप में से आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प बाय DM करके हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे DM का लिस्ट आ जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से DM है। तो आप जो भी DM से पूछ के यहाँ पे आप NPS का अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका नाम सिलेक्ट किए। बाद में यहाँ पे जिस कस्टमर का हमें NPS अकाउंट ओपन करना है उनका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे हमें दर्ज करना है। NPS के लिए हमें मेन कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फोटो है, सिग्नेचर है, बैंक की पासबुक है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर। इतने डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी। तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम दर्ज करना है आधार कार्ड के मुताबिक। यहाँ पे कंट्री कोड अपने आप ही सिलेक्ट आएगा। यहाँ पे आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ईमेल लिखना है और हमें ईमेल एड्रेस लिखते समय खास ये ध्यान रखना है कि ईमेल की स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, क्योंकि लास्ट में एक OTP आता है वो ईमेल पे आता है, तो सारा फॉर्म बनने के बाद लास्ट में एक OTP ईमेल पे भी जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ईमेल गलत ना हो। यहाँ पे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके मोबाइल तो हमारे मोबाइल में OTP आएगा, वो हमें यहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP के बटन पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में रेसिडेंट इंडियन ऑटोमेटिक फील्ड आएगा और नीचे हमारा पैन कार्ड नंबर जो हमने पहले दर्ज किया था वो भी आ जाएगा और ईमेल हमने जो फिलअप किया था वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है कि हम पुरुष का NPS बना रहे स्त्री का, और बाद में यहाँ पे हम पुरुष स्त्री कर रहे, यहाँ पे हम पुरुष सिलेक्ट कर रहे थे, हम यहाँ पे स्त्री करेंगे। यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे आधार या पैन कार्ड के मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाद में हम कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ कि हमारा जन्म स्थल कौन सा है वो लिखना है। नेशनलिटी ऑलरेडी फिलअप आएगी, तो नीचे के ऑप्शन में आप देखेंगे कि पैन कार्ड पर आपको किसका नाम प्रिंट करवाना है, फादर्स का या मदर्स का, वो सिलेक्ट करेंगे और वो यहाँ पे लिख देंगे।
नीचे का ऑप्शन वैवाहिक स्थिति में हम बताएंगे कि अनमेरिड है, मैरिड है, विधवा है या डिवोर्सी है। हमारा कस्टमर अभी अनमेरिड है तो हम अनमेरिड सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर कस्टमर मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करिएगा। अब नीचे का ऑप्शन ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय का है कि हमारा व्यवसाय कौन सा है। हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या स्वरोजगार है, या हाउसवाइफ है, या अदर्स। कोई भी ऑप्शन जो भी कस्टमर का हो वो सिलेक्ट करके हम सेव और प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। अब ये ऑप्शन केवाईसी डिटेल का है कि हमें एनपीएस में अब आगे आधार कार्ड से बढ़ना है या पैन कार्ड से। अगर हम आधार कार्ड से आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार के हमें प्रोसेस करनी होगी, और पैन कार्ड से आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें प्रोसेस करनी होगी। हम ऑनलाइन आधार से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर दाखिल करेंगे। और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। कस्टमर के मोबाइल में एक आधार बेस्ड ओटीपी आएगा, वो हमें यहाँ पे दर्ज करना है। और ओटीपी यहाँ पे हम दाखिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। हमें यहाँ पे अलाउ करना है क्योंकि वह यहाँ पे पूछ रहा है आपका आधार का डेटा ले सकता है, और जैसे ही अलाउ करेंगे हम यहाँ पे दे सकते हैं हमारा आधार में जो फोटोग्राफ्स है, आधार आधार के मुताबिक नेम है, बर्थ डेट है और एड्रेस है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस के बटन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पे FATCA फटका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, जिसमें हमें सिलेक्ट करना है हम इंडियन रेसिडेंट है तो यहाँ पे यस करना है, US के रेसिडेंट है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। नीचे सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक फिलअप हो गए, यहाँ पे हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सीधा ही नीचे जाके सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अकाउंट टाइप में हमें टायर वन ही रहने देना है क्योंकि NPS में सबसे पहले टायर वन ही अकाउंट ओपन होता है, बाद में टायर टू ओपन होता है, तो हम यहाँ पे भी कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे और सेव और प्रोसेस के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमें बैंक की डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है, तो हम यहाँ पे बैंक का IFSC कोड दाखिल करेंगे। तो हम यहाँ पे बैंक का जो IFSC कोड है वो दर्ज कर रहे हैं। बैंक के IFSC कोड दर्ज करने के बाद ऑटोमेटिक ही बैंक का नेम आ जाएगा कि वो IFSC कोड कौन सी बैंक का है। अब नीचे अकाउंट टाइप में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेविंग और करंट। आप कि कौन से बैंक में अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है और अकाउंट नंबर दर्ज करना है, और साइड में कंफर्म अकाउंट नंबर में भी वही सेम अकाउंट नंबर दर्ज करना है और सेव एंड प्रोसेस के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स देनी है, हमारे जो वारसदार होते हैं उनकी डिटेल देनी है। तो हम यहाँ पे हमारे जो वारसदार है उनका रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे ब्रदर का ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्रदर सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने ब्रदर्स का नाम फिलअप करेंगे। आपको जो भी नॉमिनी में दर्ज करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अपने आप ही एज कैलकुलेट होके आ जाएगी, और हमें यहाँ पे शेयरिंग में यहाँ पे 100 लिखना है कि हमें वारसदार को कितने पैसे परसेंटेज शेयरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऐड नॉमिनी पर क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉमिनी ऐड हो चुका है, और हमें सेव एंड प्रोसेस के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको स्कीम की डिटेल
फिलअप करनी है, जिसमें टायर वन में हमें कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे हम मिनिमम 500 से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे अभी 500 से अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पे पेंशन फंड में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आदित्य बिरला, HDFC, ICICI, कोटक। यहाँ पे हमको जो भी अपना फंड मैनेजर सिलेक्ट करना है वो करेंगे। साल में हम कभी भी अपना फंड मैनेजर एक बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में एक्टिव और ऑटो मोड है, यहाँ पे हमें ऑटो मोड रखना है। यहाँ पे टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फंड है, जिसमें नीचे हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कॉन्सर्वेटिव और मॉडरेट और एग्रेसिव, ये तीन ऑप्शन हैं जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कौन से ऑप्शन में हमारे कितने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आपको सोच समझ कर यहाँ पे तीन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन एक सिलेक्ट करना है कि आप इक्विटी में कितना पैसा शेयर करना चाहते हैं, कॉरपोरेट बैंड में कितना पैसा शेयर करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना पैसा शेयर करने जा रहे हैं। आपकी जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी वैसे ही ये ऑप्शन अपने आप ही चेंज होते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना हो तो हम यहाँ पे मॉडरेट या एग्रेसिव करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। हमने आधार कार्ड से प्रोसेस किया था, इसलिए अभी अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड में सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सिग्नेचर और कैंसिल चेक या पासबुक। यहाँ पे हम जो भी फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे उसके नेम में कोई स्पेस ना हो, सिग्नेचर लिखना हो तो सिग्नेचर ही लिखे, उसमें स्पेस ना दे, क्योंकि स्पेस देने से डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत आएगी। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम पासबुक भी अपलोड कर देंगे। बाद में हम नीचे सेव एंड प्रोसेस के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ पे स्क्रॉल बटन को नीचा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पैन कार्ड ईमेल में चाहिए, फिजिकल चाहिए, या इंग्लिश में चाहिए, या हिंदी में चाहिए। तो हम यहाँ पे फिजिकल करेंगे और लैंग्वेज को इंग्लिश रहने देंगे और सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। आपने जो सारी डिटेल्स फिलअप की थी वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगी। आपको इसे ध्यान से एक बार पढ़ लेना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई गलती ना हो। कंफर्म बटन पर क्लिक करिए। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था उसमें ओटीपी जाएगा। ईमेल में जो भी ओटीपी आया है वो दर्ज करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। इसमें आप देख सकते हो पेमेंट गेटवे में CSC है, और अब हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम आपने 500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, इसमें से वॉलेट में से 332 रुपये कट हो रहे हैं। आपको यहाँ पे 170 के आसपास का कमीशन मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे CSC ID का पासवर्ड दाखिल करना है। और नीचे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है और फिर अपना वॉलेट पिन दर्ज करना है और पे के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और NPS की पेमेंट की रिसिप्ट है वो आपके सामने आ चुकी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना चार्जेस लगा है, कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना GST लगा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के ऑफिशियल वीडियो पाने के लिए हमारे डिजिटल सेवा गुर्जर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।